नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सेटसिप टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, सेटसिप टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और सेटसिप टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि सेटसिप टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में सेटसिप टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। सेटसिप टैबलेट एक एंटी स्टामिन ड्रग क्लास की दवा है, जिसका उपयोग सामान्य जुखाम, नजला और एलर्जी के लक्षणों से राहत पाने के लिए किया जाता है। एलर्जी या नजला के लक्षण जैसे नाक से पानी बहना, आंखों से पानी आना, नाक या गले में खुजली होना, छींक आना और शरीर पर कहीं खुजली होने पर आदि लक्षणों से राहत पाने के लिए सेटसिप टैबलेट का उपयोग किया जाता है। कभी कभी डॉक्टर त्वचा पर रैशेस होने पर भी सेटसिप टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। सेटसिप टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन सेरिजीन 10 mg होता है। दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि सेटसिप टैबलेट को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। सेटसिप टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। 12 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर सेटसिप 10 mg टैबलेट को दिन में एक बार लेने की सलाह देते हैं, लेकिन सेटसिप टैबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको सेटसिप टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना सेटसिप टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि सेटसिप टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में सेटसिप टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में सेटसिप टैबलेट की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे मुंह में सूखापन, सिर दर्द, शरीर में थकान, नींद आना और उल्टी आने का मन होना आदि साइड इफेक्ट्स सेटसिप टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। अगर आपको सेटसिप टैबलेट को लेने के बाद कोई भी असामान्य लक्षण होता है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि सेटसिप टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में सेटसिप टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। सेटसिप टैबलेट के साथ आपको शराब का सेवन नहीं करना चाहिए और सेटसिप टैबलेट को लेने के बाद ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतर्कता की आवश्यकता होती है, क्योंकि सेटसिप टैबलेट को लेने के बाद कुछ व्यक्तियों को नींद आ सकती है। अगर आपको सेटसिप टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो आपको सेटसिप टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं सेटसिप टैबलेट को ले सकती है या नहीं। वैसे सेटसिप टैबलेट प्रेग्नेंट महिलाओं और गर्भ में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुँचाती है, लेकिन प्रेग्नेंट महिलाओं को डॉक्टर सेटसिप टैबलेट को लेने की सलाह तभी देते हैं जब सेटसिप टैबलेट का देना बहुत ही जरूरी हो, और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए भी सेटसिप टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित है। लेकिन प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को सेटसिप टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को सेटसिप टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका सेटसिप टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।